अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निशीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नींबू पुदीने के शरबत की रेसिपी। नींबू की शरबत गर्मियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें विटामिन सी की मिकदार काफ़ी होती है, और अगर इसमें पुदीना ऐड कर ली जाए तो ये और भी ज़्यादा मुफीद हो जाती है। नींबू पुदीने की शरबत हमें ठंडक और ताज़गी देती है और हमें रमज़ान में तरोताज़ा फील कराती है, तो आप इस शरबत को माह रमज़ान के महीने में ज़रूर बनाएं। नींबू पुदीने की शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पुदीना के पत्ते, 4 टेबल स्पून के करीब शक्कर, 2 लेमन का जूस निकाल लें, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए निशीज़ किचन को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। नींबू पुदीने की शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें पुदीने के पत्ते को पीस लेना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें ऐड कर ले पुदीने के पत्ते, साथ ही ऐड कर ले लेमन जूस, अब यहाँ पे ऐड कर ले कटी हुई अदरक और ये काला नमक, अब यहीं पे ऐड कर ले 4 टेबल स्पून के करीब शक्कर और 1/2 ग्लास पानी ऐड करके हमें इसे बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राइंड हो चुकी है। अब इसे एक छलनी की मदद से कुछ इस तरह से छान ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे छान लिया है। अब इसमें ऐड कर ले 1/2 लीटर के करीब ठंडा पानी। मिक्स कर ले बहुत अच्छी तरह। अब ये बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करने के लिए एक ग्लास में निकाल लें। अब इस शरबत में ऐड कर ले आइस क्यूब। आइस क्यूब आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी रिफ्रेशिंग शरबत बनकर तैयार है। आप इसे नींबू की स्लाइसेस से गार्निश कर लें। नींबू और पुदीने की शरबत हमें ठंडक और ताज़गी देने के साथ साथ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करती है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आप इसे रमज़ान में बनाएं, पिए और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।